गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सैटरडे आई एम विद माय बेस्ट फ्रेंड देवांशी एंड वी आर गोइंग टू डू हु इज मोस्ट लाइकली टू चैलेंज और हमारे पास बहुत ही घटिया सवाल है जो हमारे पास जिसका जवाब हम सच देंगे सच के अलावा हम कुछ नहीं देंगे प्रॉमिस करें ऐसे हाथ रख हम जो बोलेंगे झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे We are having 12 questions, जो बहुत मुश्किल से हमने लिखे हैं। मुश्किल से, oh my god, पसीना बहा के इंटरनेट का यूज कर कर के इंटरनेट का यूज करके। So let's start. So the first question is, who's most likely to kill someone accidentally? Okay, I pretend like I'm killing someone accidentally. But you don't pretend. तो सच में किसी का कत्ल कर देगी. Just because. हाँ. लेकिन reason कुछ होगा नहीं. Pretend तो करना पड़ेगा ना. दूसरा reason होगा उस बिचारे ने भूल से गलती से ऐसे उसके पीछे से स्कूटर ले लिया होगा तो पहले तो उसको मस्त दो दो अच्छे शब्द मिलेंगे. Bad words. जो अभी हम बोल नहीं सकते. To be mentioned. हाँ, YouTube video में यार. पापा देखते हैं हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे हमारे पास अभी कुछ नहीं है ना छत है खाने पीने के लिए सिर्फ ये कि कमरा है लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज मोस्ट लाइकली टू बी अ हार्ट ब्रोकन शी इज सच अ हार्ट ब्रोकन ओह यस इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है डेप्थ में नहीं जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन देवदास हो जाती है हु इज मोस्ट लाइकली टू बी द मोस्ट इमोशनल यस गाइस शी इज इसमें भी डेप्थ में नहीं जाना है इसमें भी डेप्थ में नहीं इमोशनल पर्सन बोले वो बाहर से लगती है हां मैं तेरे को मार दूंगी फाड़ दूंगी फिर ऐसा बेसिकली आई एम खाखानाथ ना रियल रियल नहीं है सख्त लॉन्डी बाहर से सख्त अंदर से चुई हुई टाइप्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज मोस्ट लाइकली टू बी द बेस्ट एट मैथ नो वन नो वन घूंघट लाओ वी आर वेरी बैड एट मैथ Actually, गलती से पास हो गए गलती से हाँ आगे पीछे से कहीं से भी जुगाड़ मार वन प्लस वन इलेवन इट्स टू सी कितनी डम है लेकिन हाँ वन प्लस वन इलेवन बट वन प्लस वन टू ये कैसा लॉजिक हुआ इसीलिए मेरे को मैथ में कंफ्यूजन होता है एग्जैक्टली बैन मैथ्स सॉरी ऑल द मैथ्स लवर्स बट हमको नहीं पता मैथ कैसे होता है लेकिन बिना मैथ के भी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए वी वॉन्ट रिवील सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज मोस्ट लाइकली टू बी ऑकवर्ड ऑन हर फर्स्ट डेट हमको डेट पे कौन ले जाता है भाई कोई नहीं लेके जाता हम लेके जाते हैं एक दूसरे को डेट कभी वो पानी पूरी yes, कभी वड़ा पाव पानी पूरी की वो लारी होती है कभी वड़ा पाव खाने कभी हम वो क्या सॉफ्टी कैंडी खाने जाते होते हैं लेकिन हम एक दूसरे को डेट पे ले जाते हैं हमको किसी पे भी खर्चा करना अच्छा नहीं लगता एक दूसरे पे कर डरते ऑकवर्ड तो दूर की बात है उसके लिए डेट पे जाना पड़ता है हमको कोई लेके नहीं जाता वी आर सिंगल Guys, don't slide in our DMs. मत आना, block हो जाओगे. So yeah, if you don't follow us on Instagram, please do follow right now. So the sixth question is, who's most likely to meet ghost? वैसे मैं रोज इसको मिलती हूँ. और ये ghost. Oh my god. Okay, ठीक है लेकिन yeah, I would love to meet a ghost. तू मिलती है भाई ये मिलती है सच में अगर आपको ये जानना हो कि कहाँ पे मिलती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ हम नेक्स्ट वीडियो वो करेंगे देवांशी का घोस्ट एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे सो द सेवेंथ वन इज हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट अपसेट फॉर द मोस्ट स्टूपिड रीजंस
पता नहीं ये मेरा वीडियो है लेकिन मेरी बेइज्जती हर छोटी छोटी टिड्डू जैसी नॉनसेंस बात में भी उसको रूठना अच्छा लगता है। मैं इससे ही रूठती हूँ। हाँ, दूसरे लोगों से मेरे को घंटा में फर्क नहीं पड़ता लेकिन रूठती है। शी इज लाइक देवा तूने मेरे को आज कॉल नहीं किया, मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगी। दिस इज नॉनसेंस। हम दो तीन दिन तक बात नहीं करते। झूठ मत बोल चल। हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास कुछ बात करने के लिए होता नहीं। एज सून एज वी गेट सम गॉसिप्स देवा तेरे को पता ही है, शी विल बी लाइक विल चीयर अप। यस सो यस। लेकिन मैं स्टूपिड रीजंस में अपसेट सिर्फ इसी के साथ होती हूँ और इसी की वजह से होती हूँ। दूसरों के लिए मैं अपसेट नहीं होती हूँ क्योंकि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो द 8th वन इज हुज मोस्ट लाइकली टू नॉट टू टेक अ शावर फॉर अ वीक। अभी भी बिना नहाए सिर्फ परफ्यूम लगा के बैठी है। शी इज अ लायर। अभी आंटी को बुलाएंगे। आंटी के पास समय ऐसा उसको क्या बोलते हैं? नहीं हमने प्लेज लिया था कि जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। ओके तू झूठ बोलेगी लेकिन मैं तो सच ही बोलूंगी गाइस। मतलब तूने ना ही आया आज? यस मैं आज ना क्या आई मेरे को पता है। या ना नहीं अच्छा लगता लोगों को। मतलब क्या पूरा दिन ना ये वीडियो लोग देखने वाले हैं। अपनी बेइज्जती करवा रही है। सेम वाटर गाइस, सेम वाटर शावर टुगेदर। मुबारक। मजा आता है गाइस, मजा पूरी तरीके से एम्बरेस कर देती है। एक बार पता है क्या? हम लोग जा रहे थे रास्ते में और एक लड़के ने हम कैसे बहुत गंदी तरीके से क्रॉस किया, उसने तो गाली बकी है। अच्छा था कोरोना चल रहा था। अच्छा कोरोना चल रहा था कि मैंने मास्क पहना हुआ था। मैं इतनी सीधी सारी लड़की कभी गाली नहीं देती। झूठ है झूठ। ओह माय गॉड गाइस ने गाली किया। आई वाज लाइक देवा चल चल। और उस बेचारे को इतनी गंदी गंदी गाली दे रही थी कि वो शर्मा के वो भी उधर से चला गया। कभी मेरे को गाली नहीं। नहीं नहीं झूठ मत बोल चल। इतनी भी गाली नहीं दी थी लेकिन हां तो क्या देनी पड़ेगी ना साला, हमको गिरा देता तो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट मैरिड फर्स्ट? मेबी क्या पक्का ही है इसकी शादी पहले होने वाली। तेरे को किसने बोला ऐसा? वो भी मैं यहाँ पे बता नहीं सकती। बट यू नो गाइस आई एम सिंगल। यू एंड आई एम सिंगल गाइस। चलो इससे डेप्थ पे नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who's most likely to become a devotee? उसको बात-बात पे सन्यास लेना होता है। यार जिंदगी झंड हो गई, अब तो सन्यास ही लेना लास्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन उसमें कुछ बुरा ही नहीं है, इससे मस्त बार्ड हो जाने का। ज्ञान बांटना होता है हमको भगवान का नाम लेना। तेरे पास इससे इसके पहले तेरे पास ज्ञान होना चाहिए। एग्जैक्टली ये खाली खोपड़ी में कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं सिर्फ भाई तो इतनी मुश्किल से मेरे डिवोटी से बाय मेरे बाल ऐसे थोड़ी ना करते। अभी मैं डिवोटी नहीं हूँ लेकिन अभी मैं होना तो है ना। नहीं मेरे को नहीं होना। अब उन्हें सब्सक्राइब करो। बाबू राव का स्टाइल है। तू भी हो नाम क्या रखेंगे अगर तू डिवोटी होगी तो? सोचने वाली बात है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरा नाम क्या होना चाहिए। प्लीज बी गुड विथ मी। सो द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज मोस्ट लाइकली टू नॉट टू फॉल इन लव? कुछ डालो इसको समझाओ तेरे को क्या पढ़ा लेकिन मेरे को नहीं पढ़ना क्या नहीं पढ़ा किसी बारे में प्यार में गिर जा। You don't believe in love. I'm telling you. Yeah, मैंने ऐसा नहीं बोला। I don't believe. I believe in love. लेकिन मेरे को उन चीजों में पढ़ना नहीं है। That is. वो मेरी personal चीज़ नहीं पढ़ने नहीं जो पढ़ना। झंडवा हो जाता है पास। जिंदगी झंडवा। फिर भी ना घमंडवा।
ये सच कड़ा कि तुम हो आपके मन की बात छीन ली. यस सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक share subscribe to my channel or do follow her on instagram mila sakti hu apne video pe wo to main hi jaungi is tarah ghar nahi hai mera ya tere nani maa ka ghar nahi hai kyunki mera ghar hai matlab ye channel tera ghar nahi hai to kabhi ye ghar mera hai lekin wo baat alag hai ki hamesha kabza karke rakhti hai mere ghar pe. I feel like I'm adopted. yes tu jo hoti hai wahi tu hoti hai matlab tu hai na tere to tu adopted hai ye mera ghar hai guys aur kal hum jane wale sach mein mere ghar to wo bhi mera ghar hai basically she is chatless uske paas ghar nahi hai lekin mere paas maa hai do only one no, is my mother ha wo bhi meri maa hai kyunki iski maa to isko adopt le. if you guys like this video please like share and subscribe and don't forget to comment to my channel. also don't forget to hit that bell button so every time I post a new video you'll get a notified. ding dong.